स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आगे का जो आप लोगों का ग्रामर पोर्शन है ये मैं आप लोगों को पिक भेज देती हूँ। ओके, सेकंड चैप्टर का। तो थर्ड चैप्टर में है लेडी विद द लैंप। एक जीवन वृत्त में किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित जानकारी होती है। प्रस्तुत पाठ लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध विश्व की प्रथम महिला नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवन की कथा है। मानवता के प्रति उनकी सेवा और दया भाव ने उन्हें जन जन का आदर्श बना दिया। यहाँ पे देखिए, एक पिक्चर दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर बताइए, नर्स क्या करियर करती है? नर्स को क्या कहकर पुकारते हैं? एक अच्छी नर्स या परिचारिका का स्वभाव कैसा होना चाहिए, लिखिए। ये आप लोगों को खुद से करना है। अगर नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ये स्टोरी। ये स्टोरी जो है ये आप लोगों को खुद से टेक्स्ट बुक में से अच्छे से रीड करना है। फिलहाल आप लोगों को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो प्रस्तुत पाठ फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन वृत्त है। इस पाठ में महान नर्स फ्लोरेंस के दयामयी स्वभाव, स्नेहमयी व्यक्तित्व, कर्तव्यपरायणता तथा कर्मठता का परिचय दिया गया है। उनके व्यक्तित्व से मानव जाति को प्रभावित तथा प्रोत्साहित होना चाहिए तथा समाज कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। तो बच्चों, इसमें छात्रों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के महान व्यक्तित्व से परिचित कराकर प्रोत्साहित करना ये पाठ का मूल उद्देश्य है। परोपकार, स्नेह, कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठता, मानवता आदि मानवीय मूल्यों का विस्तार करना और जीवन वृत्त विधा से अवगत कराना, ये था पाठ का मूल विषय। और यहाँ पे देखिए, ये शब्दार्थ है, ये आप लोगों को नोटबुक्स में कॉपी करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले है, फ्लोरेंस का जन्म कब और किस परिवार में हुआ था? तो फ्लोरेंस का जन्म 12th में सन 1820 को एक समृद्ध और उच्च वर्गीय ब्रिटिश परिवार में हुआ था। नेक्स्ट, फ्लोरेंस का बचपन कैसा था? तो फ्लोरेंस का बचपन बीमारी और शारीरिक कमजोरी की चपेट में ही रहा। फ्लोरेंस के हाथ बहुत कमजोर थे। नेक्स्ट, परिवारजनों ने फ्लोरेंस के किस फैसले का विरोध किया? फ्लोरेंस के द्वारा जब नर्सिंग को अपना कैरियर बनाने की इच्छा व्यक्त की गई तो परिवार वालों ने उसके फैसले का विरोध किया, क्योंकि तत्कालीन संपन्न परिवार की लड़कियों का नर्स बनना अच्छा नहीं माना जाता था और वो एक उच्च वर्गीय संपन्न परिवार की लड़की थी। ओके, नेक्स्ट है, आपके विचार में फ्लोरेंस का व्यक्तित्व कैसा था? तो फ्लोरेंस शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद आंतरिक रूप से बहुत ऊर्जावान, परोपकारी, कर्मठ और दयावान थी। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्लोरेंस बिना घबराए आगे बढ़ते रहने का हौसला रखती थी और उनके अपने कर्तव्यों को निभाने में जुटी रहती थी। तो ये क्या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ब्रॉड क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को नोट्स बना के भेज देती हूँ। ओके, फिर नीचे देखिए, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर टिक लगाइए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे समाज के धागों में, ये भी मैंने नोट्स बना के भेजूंगी आप लोगों को। फिलहाल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। फ्लोरेंस की माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि गणित औरतों के पढ़ने का विषय नहीं होता है? तो उत्तर, फ्लोरेंस एक समृद्ध उच्च वर्गीय परिवार में जन्मी लड़की थी। उस समय में लड़कियों का अधिक पढ़ना तथा घर से बाहर जाकर नौकरी करना या अपना करियर बनाना पसंद नहीं किया जाता था। इसलिए जब फ्लोरेंस ने गणित के साथ उच्च शिक्षा की और अपना
अपना रुग्ण दिखाया तो माँ ने उसे हितोत्साहित करने के लिए ये कहा कि गणित औरतों के पढ़ने का विषय नहीं होता है। नेक्स्ट, साफ सफाई पर ध्यान देने से मृत्यु दर 60% कम हो गई। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, युद्धकाल में अस्पतालों की परिस्थिति बहुत दयनीय थी। चारों ओर गंदगी फैली रहती थी। ऐसी स्थिति में उपचार करना, घाव ठीक होना कठिन था। अस्वच्छता के कारण मृत्यु दर अधिक थी। परंतु जब फ्लोरेंस ने अपनी महिला नर्सों के साथ अस्पताल की साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया तो उसे ज्ञात हुआ कि स्वच्छता पर ध्यान देने के कारण अस्पताल में मरीज अधिक ठीक हो रहे हैं तथा मृत्यु दर 60% कम हो गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे शब्द संसार है। तो यहाँ पे वर्ण विच्छेद, मैंने आप लोगों को पहले वर्ण विच्छेद एक्सप्लेन किया था तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रत्यय। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक इक जो लास्ट में उच्चारण होता है, इक प्रत्यय है ये। तो इक प्रत्यय से यहाँ पे देखिए बना है आधिकारिक भौगोलिक। फिर यहाँ पे सिक इत, तो शिक्षित इत प्रत्यय। यहाँ पे व्यवस्थित, ये भी इत प्रत्यय। सम्मानित, ये भी इत प्रत्यय। तो यहाँ पे जो भी प्रत्यय है उसमें से दो दो शब्द मैंने बनाया। ट्राई कीजिए आप लोग खुद से भी और दो बनाने का। विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द, ये भी आप लोगों को आता ही है, फिर भी मैंने कर दिया है, ओके। नेक्स्ट है व्याकरण संसार। क्रियापद रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले है गणित फ्लोरेंस का प्रिय विषय हुआ करता था। तो यहाँ पे ये क्रियापद है, हुआ करता था। नेक्स्ट यहाँ पे उनका ये फैसला परिवार वालों को पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे ये क्रियापद है। नेक्स्ट है 5 नवंबर 1854 को रूस ने जवाबी हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। ये गया इसका क्रियापद। विपरीत परिस्थितियों में भी ये घायलों की सेवा में जुटी रही। क्या किया? जुटी रही। तो ये इसका क्रियापद है, जुटी रही। वहाँ के अस्पतालों में गंदगी फैली हुई थी। कैसी थी? तो फैली हुई थी। ये हुआ इसका क्रियापद। बाकी यहाँ पे आप लोगों का ये होमवर्क में है, ये आप लोगों को पढ़ना है, ये आप लोगों को खुद से करना है। अगर कुछ भी पूरा ये जो पूरा चैप्टर है इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ओके बच्चों। अब तक इतना ही, थैंक यू।